वेलकम टू सजल नॉलेज एकेडमी। आज का टॉपिक है साइंस जनरल नॉलेज पार्ट 7। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ इन्फेंट। शिशु के जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? ऑप्शन डी नी कैप यानी जानू फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम है? ऑप्शन बी टेरोइल ग्लूटामिक एसिड। नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज कॉज्ड बाय ए वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जो वायरस से नहीं होता है? ऑप्शन सी प्लेग। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टर। ध्वनि किस माध्यम से तेज चलती है? ऑप्शन सी सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस इज। परमाणु तीजा व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त इकाई क्या है? ऑप्शन ए फर्मी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पीएच ऑफ रेन वाटर ड्यूरिंग एसिड रेन। अम्ल वर्षा के दौरान वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन डी लेस देन 5.6। नंबर 7, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉपर मिनरल। निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का एक खनिज है? ऑप्शन ए अजुराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए स्पीशीज यानी प्रजातियां। क्वेश्चन नंबर 9, द सेंस ऑफ बैलेंस इज अचीव्ड बाय। संतुलन की भावना किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए सेरिब्लम इक्विलिब्रियम। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय सीवर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की भारी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए क्वाशियोकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज गिव योर वैल्यूएबल कॉमेंट।